दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एंजल ब्रोकिंग में। अगर आप अपना टीपिन जनरेट करना चाहते हैं या फिर अगर आपको टीपिन नहीं मिला है सीडीएसएल की तरफ से तो आप कैसे रीजनरेट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बीओआईडी क्या होता है, कैसे टीपिन जनरेट करें, मुझे अभी तक टीपिन नहीं मिला है, मेरा अकाउंट भी ओपन हो गया है, जो भी मैं शेयर बाय कर रहा हूं उन शेयर को मैं सेल नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने मेरा पीओए जो है वो नहीं दिया है। तो दोस्तों, यहां पर ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना देरी किए चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूं कि कितने तरीके ऐसे हैं जिन तरीकों से आप टीपिन को जनरेट करके अपने जो भी शेयर बाय किया है उसे आप इजिली सेल कर सकते हैं बिना कोई पीओए दिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं आपको मेरे ईमेल आईडी पर और वहां पर बताता हूं कि किस तरह का ईमेल आपको आता है सीडीएसएल की तरफ से। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि cdslindia.co.in की तरफ से आपको एक ईमेल आ जाता है जिसके अंदर लिखा होता है आपका BOID लिखा होता है, उसके साथ साथ यहां पर लिखा होता है टीपिन, और इस टीपिन को यूज करके जो भी स्टॉक आप बाय करते हैं उसके बाद आप उसे सेल कर सकते हैं बिना एंजल ब्रोकिंग को पीओए दिए हुए, क्योंकि यहां पर सीडीएसएल जो है 1 जून 2020 से टीपिन ले आया है जिसकी सहायता से आप इजिली किसी भी शेयर को सेल कर सकते हैं। आपको कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी देने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी स्टॉक ब्रोकर को, आप डायरेक्टली टीपिन की सहायता से अपने शेयर को सेल कर सकते हैं। तो यहां पर आप बात कर लेते हैं, पहला तरीका तो यह है कि जब भी आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका टीपिन जो है इस तरह से आपके पास ईमेल पे आ जाता है। अब वो लोग जिनके पास ईमेल नहीं आया तो वो क्या करें, तो उसके लिए आपको मैं लेकर चलता हूं सीडीएसएल इंडिया की वेबसाइट पे। तो यहां पर आपको क्या करना है, गूगल पे सिंपली सर्च करना है सीडीएसएल इंडिया, तो इस तरह से सीडीएसएल की वेबसाइट आएगी। तो यहां पर आप डायरेक्टली सीडीएसएल की वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं यहां पर, नहीं तो नीचे ऑप्शन आ रहा है जनरेट टीपिन, इस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप जनरेट टीपिन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दो इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी होती है, पहला होता है बीओआईडी और दूसरा होता है पैन नंबर। यहां बीओआईडी क्या है, बहुत सारे लोगों का सवाल कमेंट सेक्शन में आता है कि बीओआईडी सर हमें नहीं पता चल रहा, बीओआईडी कहां से देखें और क्या होता है। तो यहां पर बीओआईडी यानी कि बेनिफिशियर ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक 16 डिजिट का नंबर होता है जो आपकी डीमैट अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तो ये जो बीओआईडी है आपको एंजल ब्रोकिंग की ऐप में कहां मिलेगा, इस वीडियो को देखते रहिएगा, आगे मैं आपको यह भी बता दूंगा कि ये आपको कहां मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं पैन कार्ड, तो यहां पर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, पहला आपको बीओआईडी डालना है और दूसरा आपको पैन नंबर डालना है और उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है। तो यहां पर मैं मेरा बीओआईडी डाल के और पैन कार्ड डाल के आगे का प्रोसेस स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर मैंने मेरा बीओआईडी डाल दिया है, पैन नंबर डाल दिया है, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ओटीपी है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे सेंड हो चुका है, तो आप अपने ईमेल आईडी पर या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक बार चेक कर लीजिए। जैसे मेरा ओटीपी मैं एंटर कर देता हूं, इसके बाद आपको यहां नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि योर टीपिन इज जनरेटेड सक्सेसफुली एंड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यहां पर मेरे पास जो मेरा टीपिन है वो मेरे मोबाइल नंबर पे भी आ गया है और ईमेल आईडी पर भी आ गया है। तो इस तरह से आप अपना सीडीएसएल का टीपिन जनरेट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहां से जाके भी आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं अभी तक आपको दो तरीके बता चुका हूं, पहला डायरेक्टली जब भी आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ तो यहां पर आपको क्या होता है कि आपका जो टीपिन है वो आपके अकाउंट ओपन होने के बाद डायरेक्टली आपके पास ईमेल पे आ जाता है। दूसरा तरीका, अगर जिन लोगों के पास ये टीपिन नहीं आता है या देर से आता है तो वो डायरेक्टली सीडीएसएल इंडिया की वेबसाइट पे जाके टीपिन जनरेट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तीसरा तरीका, डायरेक्टली जब भी आप कोई शेयर सेल करते हैं तो वहां से जाके भी आप टीपिन जनरेट कर सकते हैं, और इसको मैं आपको अपनी ऐप पर ले जाकर वहां पर इसे दिखा देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एंजल ब्रोकिंग की ऐप को ओपन करना है, ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहां पर ये तीन डॉट जो दिख रहा है यहां पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको मोर पे क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहां पर प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है, माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पर्सनल डिटेल्स मिल जाती है, और उसके बाद नीचे यहां पर स्क्रॉल जैसे आप करते हैं यहां पर आपके आ जाता है बैंक और डीपी डिटेल्स। तो जैसे आप बैंक और डीपी डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 16 डिजिट का डीपी आईडी आ गया है जो कि आपका बीओआईडी होता है। तो इस बीओआईडी को आपको लेकर यानी कि इस डीपी आईडी को लेकर आपको आपका टीपिन जनरेट करना होता है। तो अब मैं यहां बता देता हूं कि अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया है और आपने टीपिन जनरेट नहीं किया तो डायरेक्टली आप ऐप से कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बैक करके वापस से अपने पोर्टफोलियो में जाता हूं।
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो में मेरे पास एक पीसी ज्वेलर का शेयर है, तो जब आपको इसको सेल करना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी जो भी क्वांटिटी है नॉर्मल ऑर्डर लगाना है आपको, तो नॉर्मल ऑर्डर लगा के जैसे ही आप यहाँ पर सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर आ जाएगा वन स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द सीडीएसएल वेबसाइट टू वेरीफाई योर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने प्रोसीड पे क्लिक किया तो आपको वो टीपिन डालना पड़ेगा जो आपने जनरेट कर रखा है, लेकिन आपने जनरेट नहीं कर रखा, आपने दोनों तरीकों से नहीं किया तो यहाँ पर एक रीजनरेट टीपिन का ऑप्शन आता है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मैसेज आ गया है, यानी कि टीपिन डायरेक्टली जनरेट हो गया है। अगर आप ऐप के थ्रू करते हैं तो कोई आपको बीओ आईडी एंटर नहीं करना पड़ता, कोई पैन कार्ड एंटर नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एंजल ब्रोकिंग की इस ऐप में है, तो इसलिए क्या हुआ डायरेक्टली टीपिन जनरेट हो गया। तो अब आपको क्या करना है, उस टीपिन को यहाँ एंटर करना है, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरा टीपिन एंटर कर दिया है, यहाँ पर आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो टीपिन है वो वेरीफाई हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये जो शेयर है वो मैंने वेरीफाई कर दिया, तब मैं इसे कंफर्म सेल पे क्लिक करके इसे सेल कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपना सीडीएसएल का टीपिन जनरेट कर सकते हैं। तीन तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, पहला जो ईमेल पे डायरेक्टली आ जाता है, दूसरा सीडीएसएल की वेबसाइट पे जाकर आप डायरेक्टली टीपिन जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपने इन दोनों ऑप्शंस को यूज नहीं किया है तो आप डायरेक्टली अपने एंजल ब्रोकिंग की ऐप में जाकर और वहां पर आप टीपिन जनरेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।